और राजस्थान वासुदेव देवनानी से हमारे सहयोगी विशाल बेरिस्टो ने खास बातचीत की। भाजपा ने वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। वासुदेव देवनानी ने कहा है कि मोदी राज में आम कार्यकर्ता कोई भी मौका मिल सकता है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक जीवन का अनुभव काम आएगा। राजस्थान में नई सरकार आ गई है और मेरे साथ है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जिनका एक लंबा अनुभव है राजस्थान सरकार में। अब वो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में है। वासुदेव जी, एक नई भूमिका में आप हैं, किस तरह से देखते हैं आप चीज़ों को? निश्चित रूप से भूमिका तो नई है, लेकिन इसका अनुभव भी मेरे 20 साल का है। 2 बार जब हमारी सरकार थी तो मंत्री के नाते सदन में रहा हूँ और सारे मुद्दे भी उठाए हैं, प्रश्नों के उत्तर भी दिए, और 2 बार जब विपक्ष में रहे तो हमने मुद्दे उठाए, प्रश्न भी खड़े किए, तो वो अनुभव है। और पुराना प्रशासन का अनुभव, जो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल भी रहा हूँ, तो वह भी अनुभव है। मुझे सकता है सबके सहयोग से इस चुनौती को भी हम सामना करेंगे। वासुदेव जी, नया परंपरा डाली है बीजेपी ने, नए चेहरे आए हैं राजस्थान में, तो जो पहली बार चुनकर आए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? आपके कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है? हमारी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और उसमें कार्यकर्ता का महत्व रहता है। आज हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी पिछले 3 दशकों से लगातार संगठन का काम कर रहे हैं और हम सब लोग संगठन का काम करते हैं, तो संगठन ने निश्चित रूप से इस पर विचार करके आगे बढ़ाया है। इससे प्रत्येक कार्यकर्ताओं के संदेश गया कि मैं निरंतर धैर्य के साथ संगठन निष्ठ होकर के काम करता रहूं, तो निश्चित रूप से अवसरों की कोई कमी नहीं है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी ने मुद्दा बनाया था कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार, किस तरह का बदलाव अब आएगा राजस्थान में? हमारा मंत्रिमंडल निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देगा, जिम्मेदारी पूर्वक ध्यान देगा, और हमारी पूरी सरकार की ये कोशिश होगी कि वह इन मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दे करके राजस्थान में, जो आज तो हमारा मेरी संवैधानिक दायित्व हो गया, जो बहुत अधिक खुल करके तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो हम बोलते आए हैं उसको निश्चित रूप से हम ठीक करेंगे। तो ये थे वासुदेव देवनानी, जिनका ये कहना है नई सरकार तमाम वो मुद्दे जो बीजेपी ने उठाए उन पर काम करेगी। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD News दिल्ली।